महाराष्ट्र के जलगांव लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय सांसद उम्मीदवार ललित उर्फ बंटी शर्मा ने अकेले ही चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ली हुई है। बता दें कि वो बाइक पर अकेले प्रचार कर रहे हैं और गलियों और सड़कों पर पैदल चलकर लोगों से मिलते हैं। दरअसल जीत का लक्ष्य रखते हुए ललित शर्मा खुद ही जलगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए अभियान कर रहे हैं और इसी के चलते वो रास्ते में लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो बेरोजगारी, सड़क संपर्क, किसानों की समस्या जैसे सामान्य मुद्दों पर काम करें। मैं तीसरी बार लड़ रहा हूँ, जलगांव लोकसभा 2014 लड़ी, जलगांव लोकसभा 2019 लड़ी, हार स्वीकार नहीं सर, 2000 लोकसभा 2024 तीसरी बार लड़ रहा हूँ। आपका प्रचार का तरीका अलग है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर कॉमन मैन प्रचार कॉमन मैन के तरीके से ही करेगा और इसके पहले स्पष्ट करता हूँ, सांसद ये जनता का सेवक है, मैं सेवक के रूप से नौकरी मांगने जा रहा हूँ सर। पब्लिक को, जनता को क्या ताकत दिखाऊं, और ताकत दिखाने के लिए मेरे पास ताकत है भी नहीं। मेरे पास सबसे बड़ी ताकत मेरे मतदार राजे, जनता का आशीर्वाद, प्रेम, सब साथ में लेके अकेला निकला हूँ सर। जनता के लिए क्या करना चाहेंगे सर? कोई 5 मुद्दे गिना सकते हैं? जी सर, गिना सकता हूँ आपको। जलगांव लोकसभा के अंदर बेरोजगारी बड़े प्रमाण पे है, जलगांव लोकसभा के अंदर किसानों को बहुत समस्या है, जलगांव लोकसभा के अंदर रास्ते बोगस क्वालिटी के हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, जनता परेशान है सर। जनता जाए तो काहे जहां जाए, जनता आवाज उठाती नहीं, उनके लिए आवाज उठाने को मैं खड़ा हूं सर, जलगांव का एक कॉमन मैन। कॉमन मैन सिर्फ मतदान देने के लिए नहीं, लड़ने के लिए भी सज्ज है सर। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी सर। आप दिखा रहे हैं आपका अनुक्रमांक 13 है। यस सर, अनुक्रमांक 13 निशानी बैट है सर। निशानी बैट है? यस सर। पिछले 2 बार जब आप चुनाव लड़े 2014-19 में, आपको कितना मिला? मत मिला लोगों? एक बार 1108, एक बार 1108 और एक बार 8140, दो लोकसभा में लड़ चुका हूं। और जलगांव लोकसभा 2024 इस टाइम में मेरी जनता के आशीर्वाद से आई विल विन, मैं जीतूंगा। जलगांव लोकसभा का ये उम्मीदवार अपक्ष जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, मैं जीतूंगा। मैं वापस बोलता हूं, मैं लोकसभा जीतूंगा। जितने उम्मीदवार हैं उनके साथ बहुत लोग प्रचार प्रसार में लगते हैं, आपके साथ भी कुछ लोग हैं, आप अकेले ही प्रचार करते हैं? सर मैं मेरा अकेला ही करता हूँ, मेरी सोच थिंकिंग यही है कि मैं जनता के पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ सेवक के रूप में, कि आप मुझे चयन करें। जिन जिन को आज तक उन्होंने चयन करा, मेरे सामने एटी नाना पाटिल 2014 में थे, गए 2019 में उन्मेष पाटिल थे, वो भी गए। ऐसे ये चेंजेस करते रहते हैं सर चेहरा, पर मैं तीसरी बार लड़ रहा हूँ, जनता के लिए संघर्ष करता हूँ, करता रहूंगा सर। प्रचार का तरीका बताइए, मैं देख रहा था आप बाइक पे आ रहे थे, फिर लोगों से मिल रहे थे, तरीका बताइए कैसे करते? सर मैं अकेला घूम रहा हूँ पूरे जलगांव लोकसभा क्षेत्र में, जहां जहां बड़ा बड़ा बाजार होता है, जैसे 6 विधानसभा क्षेत्र है सर इसके अंदर, प्लस जलगांव शहर। सर मैं जहां जहां गर्दी मुझे दिखती है वह गर्दी में जाके मेरा प्रचार करता हूँ, क्योंकि 19.5 लाख के आसपास वोटिंग, 1400 के आसपास खेड़े मेरे 10 दिन के अंदर अपक्ष निर्दलीय उम्मीदवार के होंगे नहीं। इसके लिए मैं सब मेरे प्रिय मतदार राजाओं का आशीर्वाद, प्रेम लेके साथ में मैं अकेला निकला हूँ सर, और सब जगह मुझे बहुत प्रेम मिल रहा है सर। कैसे जाते हैं और कैसे प्रचार? सर मैं एसटी बस, ट्रेन, और जब जरूरत पड़ी तो बाइक से जाता हूँ, बाइक लगा देता हूँ और पैदल प्रचार करता हूँ सर। वैसे आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक हमाल मजदूर आदमी हूँ सर, कोरियर का काम करता हूँ, टपाल पार्सल बांटने का सर, वो भी मेरा काम मेहनत का ही है सर, वो मेहनत से काम से मैं पैसे बचा के मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ।